नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां विभिन्न समस्याओं के निजात के लिए वाराणसी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने दिया एसएसपी वाराणसी को ज्ञापन। वाराणसी में विभिन्न घटनाओं में व्यापारियों में खुद के असुरक्षा के माहौल में जीने व तमाम अन्य समस्याओं को लेकर आज वाराणसी के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने वाराणसी के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, अपनी तमाम समस्याओं को रखा। साथ ही साथ बीते दिनों व्यापारियों के साथ हुए तमाम तरह के समस्याओं को लेकर वाराणसी के एसएसपी को अवगत कराते हुए साथ ही उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान वाराणसी के व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। जी, आज किस बात को लेकर एसएसपी साहब के यहाँ आना हुआ आपका? आज शहर की बहुत सी समस्याएं थी। सारनाथ थाना अंतर्गत एसओ लगातार भ्रष्टाचार पे उतारू था और उसके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन हम लोगों ने दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई, आज दोबारा पड़ी है। उन्होंने कहा उनको हटा दिया गया है। और दूसरा, तेलियाबाग में वहाँ के एसओ ने बिना बात सुने तेलियाबाग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री को मारा। उनके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया कि उनको हटाया जाए। और उसके अलावा पांडेपुर की रैकिंग का मामला था, रामनगर का था, सारी चीज़ों को रखा गया। बगा जी, और जनसा में लगातार वसूली हो रही थी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने रखा। इतने गंभीर मामले आपने बताए लॉकडाउन के बाद। कई बार यहाँ अनुनय विनय के साथ पत्रक भी दिया आपने, व्यापारी इसके बाद का कदम कब उठाएगा? ऐसे ही पत्रक देता रहेगा या कोई कदम आगे भी बढ़ाएगा व्यापारी? आज इसकी शुरुआत हो गई है। अभी तक हम लोग प्रोटोकॉल से चल रहे थे, आज प्रोटोकॉल से हटकर हार्ट अटैक भी हुई है। अब इसके बाद हम लोग इंतज़ार करेंगे, अगर 5-7 दिन में काम नहीं हुआ तो सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। इन सभी मुद्दों पर एसएसपी का क्या कहना था? उन्होंने कहा सब पर काम होगा, सब पर जांच होगी और सब पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तब बग्गा जी आगे आप बताइएगा। यह हार्ट अटैक की नौबत कहां से आ गई? हार्ट अटैक की नौबत आ गई प्रोटोकॉल के कारण। क्या कि एक आदमी अंदर आएगा, दो आदमी अंदर आएगा, जिसकी बात है वो बताए। मैं शहर का प्रतिनिधि हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, 30 साल तक आज तक किसी ने ऐसा एसएसपी ने नहीं बोला। और उसके बाद उस बात पे हार्ट अटैक की नौबत आई। थैंक यू।